नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे आयोनिक्स विंड के बारे में। आयोनिक्स विंड जो है ब्रोकरेज हाउस, उसमें बुलिश है और बुलिश का टारगेट प्राइस उन्होंने बताया है 185। और ये जो रिसर्च एनालिस्ट है वो एक्सिस सेक्रेटरी की तरफ से बताया जा रहा है। और कल के दिन ये रिपोर्ट आया था शाम को 7 बजे। और यहाँ पे अगर अपने हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मार्केट जो है ना, यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम बनाया हुआ है। और उससे पहले जो यहाँ पे इन्वेस्टर ने, जो इनके प्रमोटर है, उन्होंने शेयर्स बेचा था, जिस वजह से एक दबाव हमको मार्केट में देखने को मिला जो कि आयोनिक्स विंड के शेयर्स में रहा। तो ये प्रमोटर क्यों बेचे हैं? तो देखिए, कई बार प्रमोटर जो होते हैं बेचने से उनके फंडामेंटल टेक्निकल्स में वीकनेस आती है। मगर अभी जो मार्केट में एक नया ट्रेंड चल रहा है कि जब स्टॉक प्राइस बढ़ता है बराबर ना, तो उसमें प्रमोटर्स भी अपना, जैसे कि रिटेलर, अभी यहाँ पे मैं 110 पे खरीद रहा हूँ तो 150 पे बेच दे रहा हूँ, ये एक हमारा प्रॉफिट है बराबर। तो वैसे ही ना, अभी प्रमोटर्स ने कई कई कंपनियों ने किया है। जैसे अगर एग्जांपल तौर पे बात करूँ, आयोनिक्स विंड हो गया, फिर बाद में आ गया इंडस टावर हो गया, फिर बाद में वेदांता हो गया बराबर ना। तो ऐसे ऐसे कंपनियों में ने प्रमोटर ने एक अपना स्टेक बेच कर ना एक तरह से प्रॉफिट बुक किया है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम भी बनाया है और हमारे पास एक मजबूत सपोर्ट लेवल जो है 140 रुपये का है। और यहाँ से जैसे ये ब्रेकआउट लेता है कल परसों तक, तो फिर शानदार मोमेंट हमको देखने को मिल सकता है। तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 160 रुपया, जैसे 160 निकलता है तो फिर बाद में हमारा 170 रुपये का दूसरा टारगेट रहेगा। और ये साइडवेज मोमेंट होने के बाद में जब ब्रेकआउट लेता ना, तो शानदार रैली भी मिलता है। तो सारे कंडीशंस मैंने बताए हैं, अगर चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बाय सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जय हिंद।